प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद ये हाल है राम। कोई बात नहीं, 10 मार्च के बाद सब हो जाएगा अब्दुल्ला भाई। ये है घर पर आने से लोगों को रोक रहा है, ये है लोकतंत्र। 10 मार्च को आ रहा है आचार संहिता के नाम पर और कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर ऐसे शोषण कर रहे हैं। ये घर तक पर लोग नहीं आ सकते। चलो भाई भाई खाना खा ले घर जाके। आपका वो भी ना खाए कह दो। अरे नहीं भाई, कमिश्नर साहब ने मना कर दिया होगा। सारी गाड़ी देखो, हमारे साथ तो जितनी ज्यादती हो सकती थी। बोली भैंस चोर है, बकरी चोर है, जो ज्यादती और जो रह गई है वो भी कर लो। लेकिन चलो हम नहीं कर पाए, लेकिन ऊपर वाला है, आज नहीं कल इंसाफ जरूर करेगा। इंसान कोई बेगुनाह इंसान, 9 बार विधायक रहा हो, 2री बार का सांसद हो, 4 बार सरकार में मंत्री रहा हो, नेता विपक्ष रहा हो, वो भैंस चोरी और मुर्गी चोरी के मुकदमों में जेल में बंद है। एक ऐसे मुकदमे में जेल में बंद है जिसमें 8 लोगों को एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है, लेकिन आजम खान साहब 1.5 साल से उस मुकदमे में जेल में है। उम्मीद है न्यायालय साफ करेगा। विधानसभा अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा? 200% आदेश जी का कोई संदेश अखिलेश जी के लिए? बस उन्होंने अपनी मोहब्बतें दी हैं, अपनी दुआएं दी हैं, अपना प्यार दिया है और अपनी दुआएं दी हैं। तो खुदा करे आने वाली 10 तारीख के बाद वो दोबारा इस प्रदेश के मुखिया बने, बेरोजगारों की, नौजवानों की आवाज़ बने।